हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बच्चों, हम लोग इस समय क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 न्यू वाली एनसीईआरटी से, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बच्चों, अब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर पॉलिनेशन क्या होता है, परागण हम लोग किसे कहते हैं और कैसे परागण कितने प्रकार का होता है। तो कल जो है लास्ट की जो हमारे पास वीडियो थी, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो मादा युग्मक है वो एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश के अंदर बनता है। जो एक कोशिका थी, अंड कोशिका, वही होती है मादा युग्मक। और बेटा, नर युग्मक कहाँ पे बनता है आप जानते हैं, कहाँ पे? पराग कोश के अंदर। अब उन दोनों को पास पास लाना है, क्योंकि तभी निषेचन संपन्न होगा। तो अब ये जो बेटा एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रम होता है, जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक को साथ में लाया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आखिर क्या है पॉलिनेशन, किसे कहते हैं परागण। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट भी करिए। बेटा, लाइक और कमेंट करने से ही यूट्यूब क्या है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पब्लिश करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बेटा चलिए देखते हैं, समय ज्यादा ना लगे, एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है। अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार है क्लास 11th और क्लास 12th की, तो बेटा आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अच्छे नंबर से बेटा आप जो है सेलेक्ट होंगे, अच्छी रैंक आएगी और टॉप क्लास का मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अगर एनसीईआरटी तैयार है तो एनसीईआरटी ही माई बाप, सब कुछ एनसीईआरटी है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो बेटा आइए देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, किसे हम लोग परागण कहते हैं। तो लिख रहे हैं बेटा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बोले तो परागण। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्टिंग ये होगी हम लोगों के पास कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब आवृत बीजीय पौधे, और आवृत बीजीय पौधों में क्या होता है, जो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होते हैं, अलग अलग स्थान पे बनते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों ही अचल होते हैं, मतलब नॉन मोटाइल होते हैं। अब जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों पास आएंगे, उनका क्या होगा बेटा, संलयन होगा, उसी को हम निषेचन कहेंगे। तो आखिर निषेचन होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक को पास कैसे लाया जाता है, तो एक प्रक्रिया होती है बेटा। अब उसी प्रक्रिया को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, आप वो देखेंगे पहले, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा। तो बेटा पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादप मतलब एंजियोस्पर्म, पुष्पीय पादपों में नर युग्मक बेटा बोले तो मेल गैमेट कहाँ पे बनता है, नर युग्मक पराग कोश में बनता है, तथा बेटा मादा युग्मक कहाँ पे बनेगी, तथा अच्छे से देखिए बेटा, एक एक लाइन याद रखिए। मादा युग्मक एम्ब्रियो सैक मतलब भ्रूण कोश में, कहाँ बेटा, भ्रूण कोश में बनता है। मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों बेटा अलग अलग जगह बनते हैं। अब निषेचन को संपन्न करवाने के लिए इन दोनों को पास में लाना क्या है, जरूरी है, ये भी याद रखिएगा। निषेचन की क्रिया को पूर्ण करने के लिए, निषेचन को संपन्न करने के लिए, कि निषेचन हो संपन्न करने के लिए इन युग्मकों को पास पास लाना आवश्यक है। कौन से इन युग्मकों को बेटा, नर युग्मक और मादा युग्मक को पास पास लाना आवश्यक है। क्यों?
क्योंकि नर तथा ये मादा युग्मक दोनों ही क्या होते हैं, नॉन मोटाइल, अचल होते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो बेटा क्या कहेंगे, परंतु नर तथा मादा युग्मक दोनों, बहुत अच्छे समझिए, क्या होते हैं, अचल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अचल होते हैं। और जब महाराज ये दोनों अचल होते हैं तो संलयन कैसे होगा ना, मिलन आधा अधूरा रह जाएगा। तो इनको पास आना है किसके द्वारा बेटा, वो प्रक्रिया है परागण, पॉलिनेशन। तो इनको क्या है, अतः इनको परागण के द्वारा क्या है, पास पास लाया जाता है, याद रखिएगा। तो अब मेनली देखेंगे कि परागण क्या है, ये परागण की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ताकि संलयन हो, और क्योंकि ये बेटा नॉन मोटाइल होते हैं। तो अब स्पेशली हम लोग यहाँ पे देखेंगे आखिर परागण क्या है बेटा, परागण होता क्या है। क्योंकि परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है, मेल को फीमेल के पास तक पहुंचाया जाएगा। वो बैठी है बेचारा, ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, दिक्कत ये है। तो बेटा परागण एक प्रक्रिया है ना, तो लिखेंगे नर परागण वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक का मतलब मेल गैमेट, नर युग्मक को पराग कोष से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। क्या होता है बेटा, पहुंचाया जाता है। बात समझ में आई, आप इसी को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, नर जो है युग्मक पराग कोष से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है या पहुंचाया जाता है। बात एक ही हुई, क्योंकि ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, इसीलिए मैंने लिखा है कि कोई न कोई पहुंचाएगा, कोई न कोई एजेंट होगा, कोई न कोई बेटा हमारे पास क्या कारक होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास बेटा, आप जानते थे कि ये है एंथर, ये हमारे पास बेटा क्या है, एक पूरा स्टामेन है जिसे हम क्या कहते थे, पुंकेसर। अब पुंकेसर में यहाँ पे ये है एंथर पराग कोष, यहाँ पे भरे हैं पोलन, और यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, फीमेल का आप समझ गए बेटा स्त्री केसर, जायांग का क्या है बेटा, स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में ये तीन भाग हमारे पास होते हैं, आप जानते हैं ये क्या था, स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते थे। क्या कहते थे बेटा, वर्तिकाग्र। ये क्या थी, वर्तिका, क्या था बेटा, वर्तिका। और ये बेटा क्या है, अंडाशय, जिसे ओवरी कहते थे, क्या है, अंडाशय। तो ये पराग कोष से, पराग यहां से के स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो स्थानांतरण के प्रक्रिया को ही बेटा क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, परागण, क्या है, पॉलिनेशन। तो ये प्रक्रम जो है यही है परागण। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अच्छे से आप समझेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा ना, कि पराग कोष से पराग को पहुंचने की प्रक्रिया को, कहाँ तक, स्त्री केसर के तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम लोग परागण कहते हैं। अब देखेंगे बेटा कि पहुंच गया है तो परागण कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल और फीमेल जो हमारे पास हैं बेटा जनन अंग, वो दोनों क्या हों, एक ही पुष्प के हों। कभी कभार ऐसा होता है कि पुष्प तो अलग अलग है, लेकिन बेटा हमारे पास क्या है, प्लांट जो पौधा है वो एक ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास है परागकण और वर्तिकाग्र दोनों अलग अलग पेड़ के हैं। तो एक बार हम लोग आगे पढ़ने से पहले इसको रिवाइज जरूर करेंगे, याद करवाने की गारंटी हमारी है। बस आप पूरी वीडियो बेटा अच्छे से जरूर देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को बढ़ाइए मत। अगर आपको स्लो लगता है तो आप स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं।
ताकि एनसीईआरटी को बार बार जब हम आपको सुनाएंगे पढ़ाएंगे तो आपको पॉइंट टू पॉइंट याद होगा। तो अभी देखें बेटा कि पॉलिनेशन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी पॉलिनेशन की, क्योंकि जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें क्या बेटा नर युग्मक, जिसे हम क्या कहते हैं मेल गैमेट, पराग कोष में बनता है। कहाँ बनता है? पराग कोष में। और मादा युग्मक कहाँ पे बनता है बेटा? भ्रूण कोष में। कहाँ पे बेटा? भ्रूण कोष। भ्रूण कोष मतलब इम्ब्रियो सेल, जो पिछली वीडियो में पढ़े थे, यहाँ पे बनता है। और दो के दोनों युग्मक क्या होते हैं को पास पास लाना जरूरी है। ये जो दो युग्मक बने यहाँ पे देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों अचल होते हैं। क्या होते हैं? अचल, नॉन मोटाइल होते हैं, अपने से नहीं चलते हैं। उनको किसी के द्वारा क्या है बेटा लाया जाएगा, उनका क्या है परागण करवाया जाएगा। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे लिखे हैं कि परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक कहाँ से? पराग कोष से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। तो आप समझ गए कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक पराग कोष से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, उसी को हम लोग बेटा परागण कहते हैं। अब देखिए परागण के आइए हम लोग प्रकार देखते हैं कि परागण तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बेटा? इसको अभी लिखे रहते हैं। परागण बेटा तीन प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोगैमी, जिसे स्वयुग्मन कहते हैं। दूसरा होता है जिटेनोगैमी। और तीसरा बेटा हमारे पास, इसको भी हटा देते हैं अभी फिर बना लेंगे, इसको बेटा हमारे पास कहते हैं जीनोगैमी पर निषेचन। तो ये आपको याद रखने की बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको चलना है कि परागण के प्रकार। तो परागण जो है आप दो प्रकार न लिख करके बेटा तीन प्रकार का लिखिएगा, और उसमें से अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से सेल्फ होते हैं, कौन कौन से क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो बेटा ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन परागण के प्रकार। हिंदी में अब लिखेंगे नहीं क्योंकि हिंदी में तो बोल दिए, हेडिंग आप समझ जाएंगे, बाकी चीज हिंदी में लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में बेटा कहते हैं कि परागण मुख्य रूप से क्या होता है? तीन प्रकार का होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम यहीं पे तीनों एक साथ लिखेंगे ताकि आपको भली भांति अच्छे से पता चल जाए। पहला जो प्रकार का पॉलिनेशन हमारे पास है उसे बेटा हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। हिंदी का इसे कहते हैं बेटा स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। तो आइए पहले इसी को देखते हैं कि आखिर ऑटोगैमी क्या होता है। स्वयुग्मन वह होता है जिसमें बेटा हमारे पास पराग जो था, जो पोलन था ना, और जो वर्तिकाग्र थी, दोनों क्या होते हैं? एक ही फूल के होते हैं। मतलब पराग कोष से पराग क्या है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? झड़ते हैं। तो उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। तो लिखेंगे इस प्रकार के परागण में, इस प्रकार के परागण में, परागण में परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर झड़ते हैं या बेटा पहुंचते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो बेटा पोलन है वो, और क्या है जो वर्तिकाग्र है बेटा स्टिग्मा, दोनों एक ही क्या है पुष्प के होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्वपरागण कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अर्थात पराग कण तथा वर्तिकाग्र, मतलब स्टिग्मा वर्तिकाग्र दोनों एक ही पुष्प के होते हैं, एक ही पुष्प के होते हैं। तो बेटा इसे हम लोग
ऑटोगेमी कहते हैं या स्वयुग्मन कहते हैं। इस स्वयुग्मन में बेटा, इसी स्वयुग्मन में थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि हमारे पास कभी कभार ऐसा होता है कि तीन ऐसे प्लांट हैं, जैसे वियोला है, कॉमन पेंसी है ना, और ऑक्जेलिस वगैरह है, कॉमेलाइना है, तो इनमें क्या होता है, दो तरीके के फ्लावर होते हैं। एक होता है कॉस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। तो ये सुन के आप याद रखिए प्रॉपरली कि कॉस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और बेटा क्या होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो उसमें जो है पॉलिनेशन, क्लिस्टोगैमस जो में पॉलिनेशन हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा, तो याद रखिएगा। बाकी में जरूरी नहीं है कि सब में सेल्फ पॉलिनेशन ही हो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल की बात करते हैं इसी में। जैसे बेटा हमारे पास बात करें कि यहीं पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह है, अभी इसी का पढ़ रहे हैं ऑटोगैमी का। तो बेटा है वियोला, वियोला के बाद हमारे पास है बेटा दूसरा है ऑक्जेलिस, क्या है, ऑक्जेलिस, तीसरा हमारे पास है बेटा कोमेलाइना, क्या है, कोमेलाइना। ये तीन ऐसे पादप हैं, वियोला है हमारे पास, ऑक्जेलिस और क्या बेटा, कोमेलाइना में दो तरह के ये प्लांट है बेटा पुष्प लगते हैं, दो तरह के पुष्प लगते हैं। जब दो तरह के पुष्प लगते हैं तो बेटा पहला पुष्प हमारे पास होगा कौन सा बेटा, क्लिस्टोगैमस उन्मूलीय, क्या है, जो जमीन से ऊपर रहे, क्या रहेंगे बेटा, जो जमीन से ऊपर रहेंगे उसे सॉरी कॉस्मोगैमस कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, कॉस्मोगैमस पुष्प, बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा, कॉस्मोगैमस क्या कहते हैं, उन्मूलीय पुष्प, ये सामान्य पुष्प की तरह होते हैं। उन्मूलीय पुष्प कैसे होते हैं, सामान्य पुष्प की तरह, सामान्य पुष्प की तरह, मतलब ये खुले रहते हैं और जमीन से क्या होते हैं बेटा, ऊपर होते हैं, की तरह होते हैं, होते हैं, जो जमीन के ऊपर, जो जमीन के ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, मतलब प्लांट में जमीन के ऊपर उनके डाली में टहनियों में पाए जाएंगे। दूसरा हमारे पास महाराज है, अच्छे से बच्चों याद रखिए, चीजें जब अच्छे से धैर्य से समझेंगे तो सब कुछ आपको अच्छे से याद होगा। और आपसे एक बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा उसको लाइक जरूर करिए और कमेंट करिए उस पर ना, और क्या है पूरा वीडियो देखिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो 100% एनसीईआरटी को अच्छे से समझने के लिए, एनसीईआरटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट यही कहता है कि सर हिंदी वाले समझ में नहीं आते, अंग्रेजी वाली हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं जाती, हम पढ़ नहीं पाते, सिलेक्शन में हमारे बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए स्पेशली हम जो है इंग्लिश से जो है हिंदी में आ गए हैं कि पहले उन बच्चों का सिलेक्शन करवाएं जो हमारे अपने हैं ना, जो हिंदी में जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, जैसे मैंने भी की है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फिर अब हम लोग और आगे देखते हैं बेटा, दूसरे फ्लावर जो हमारे होंगे उन्हें हम क्लिस्टोगैमस कहते हैं, क्या है, क्लिस्टोगैमस, क्या कहेंगे बेटा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो कॉस्मोगैमस फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये दो तरीके के फ्लावर किसमें पाए जाते हैं ये आप जरूर याद रखिएगा। ये बेटा जमीन के अंदर होते हैं, क्या होते हैं, अन, जैसे उन्मूलीय तो उसे क्या कहेंगे, अन उन्मूलीय, क्या कहेंगे बेटा हमारे पास है, अन उन्मूलीय, थोड़ा सा हिंदी है तो टफ है, देख लीजिएगा, अन क्या उन्मूलीय, मतलब ये क्या होते हैं, सामान्य पुष्प नहीं होते हैं, ये असामान्य पुष्प होते हैं ना, मतलब असामान्य क्यों है, क्योंकि कभी खुलते ही नहीं है, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, जमीन के अंदर, अंदर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं बेटा, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, और इसमें, और इसमें निश्चित ही स्वपरागण होता है, क्योंकि खुलबई नहीं करते, नर और मादा दोनों बंद हैं एक ही जगह,
जैसे हम तुम गाना गाते थे ना कि हम तुम एक कमरे में बंद हो, अब कमरे में ही बंद है, सारा काम वहीं पे हो जाएगा, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें यही होता है बेटा, और इसमें निश्चित क्या होता ही, स्व परागण होता है, स्व परागण होता है। क्या हो गया बेटा? स्व परागण ये वाला सा रहेगा। क्या है बेटा? स्व परागण होता है। अब जैसे बता दें कि ये पुष्प है और ये बंद है, इसे पत्ती जैसा भले है लेकिन ये पुष्प है, बंद है, और इसी के अंदर क्या है बेटा, हमारे पास मेल गैमिट पाया जाए और इसी के अंदर फीमेल गैमेट पाया जाए, मतलब मेल और फीमेल क्या है, सेक्स ऑर्गन दोनों इसी में पाए जाए, तो निश्चित ही इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो बेटा हमने कौन सा देख लिया? ऑटोगैमी देख लिया, स्वयुग्मन देख लिया। दूसरा हम देखेंगे बेटा, हमारे पास जो दूसरे प्रकार का परागण है उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जीटेनोगैमी। क्या कहते हैं बेटा? जीटेनोगैमी, जीटेनोगैमी गैमी। ये जीटेनोगैमी का मतलब बेटा हिंदी में होता है सजात पुष्पीय परागण, सजात पुष्पीय परागण। सजात का मतलब बेटा एक ही जाति के हैं, नाम पे डिपेंड है, मतलब एक ही पेड़ के हैं, लेकिन फ्लावर क्या है, अलग अलग है। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के एक क्या है, पेड़ में बहुत सारे फूल जो है लगते हैं, तो एक फूल का जो है परागकण दूसरे फूल की वर्तिका पर जाकर के झर जाए, तो बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जिटेनोगेमी, सजात पुष्पीय परागण कहा जाता है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि इस प्रकार के परागण में, इस प्रकार के परागण में, परागण में पराग कोष, पराग कण, पराग कोष से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, के वर्तिकाग्र पर झरते हैं। वर्तिकांग पर क्या है बेटा? झरते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, परंतु न क्या है तो बेटा, पराग कण तथा क्या है बेटा, वर्तिकाग्र दोनों एक ही प्लांट के होते हैं। पुष्प अलग अलग, लेकिन क्या है, पौधे क्या है, एक ही क्या है, क्या एक ही होता है, परंतु पराग कण तथा स्त्री केसर, स्त्री केसर दोनों एक ही पौधे के होते हैं, एक ही पौधे के होते हैं। मतलब बच्चों पेड़ क्या है, एक है, प्लांट बेटा एक है, लेकिन फूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक ही पौधे के दूसरे क्या है, पुष्प पर परागकण पहुंचते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और है, ये बेटा क्रियात्मक रूप से तो क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ क्या है, पॉलिनेशन होता है। सेल्फ इसलिए कि दोनों पुष्प जो हैं एक ही के हैं, एक ही पेड़ के, तो जो उसमें जीन आए होंगे उसी दूसरों में आए होंगे। दोनों प्लांट तो एक ही है, फूल अलग अलग है, लेकिन प्लांट क्या है, एक ही है। तो इसे हम लोग क्या है, क्या कहते हैं, आनुवंशिकी रूप से क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। और बेटा क्या है, क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक इसलिए कि दूसरे पुष्प में जा रहा है, तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो आइए पहले हम इसको क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बेटा लिखेंगे सजात पुष्पीय परागण,
मतलब जिटेनोगेमी परागण क्रियात्मक रूप से, क्रियात्मक मतलब फंक्शनली, क्रियात्मक रूप से क्या होता बेटा, पर निषेचन होता है। पर निषेचन का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता बेटा, पर निषेचन होता है। तथा आनुवंशिकी रूप से, जेनेटिकली क्या होता है सेल, तथा आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से बेटा क्या होता है, स्वनिषेचन होता है। तो यहां लिख दे रहे हैं स्वनिषेचन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वनिषेचन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा क्या हुआ, अब हम लोगों ने दो प्रकार का पॉलिनेशन देख लिया। एक बार आइए थोड़ा सा अंडरलाइन करके अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जरूरी है। टाइम की चिंता मत करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जितना समय अभी आप देंगे उतना आपके लिए बेटा बेस्ट होगा, उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई हो पाएगी। तो हम लोगों ने ये देखा बेटा कि हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनेशन परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का नहीं, मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला है बेटा हमारे पास ऑटोगैमी, जिसे हिंदी में स्वयुग्मन कहते हैं। इसमें जो होता है परागकण हमारे पास, अभी कंसाइज कर देंगे बेटा, उसी पुष्प के कहां पर, वर्तिकाग्र पर झड़ते हैं। मतलब परागकण तथा वर्तिकाग्र दोनों एक ही क्या है बेटा, क्या यहाँ पे होते हैं, पुष्प के होते हैं। कुछ यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स थे, ये आप याद रखिएगा। ये हमारे पास कि ये जो वियोला है, ये ऑक्जेलिस मतलब कॉमन पेंसी, और क्या बेटा कोमेलाइना में दो तरीके के पुष्प लगते हैं। ये कुछ विशेष प्रकार के पौधे हैं जिसमें दो प्रकार के क्या है, पुष्प लगते हैं। कुछ पुष्प जमीन के ऊपर रहते हैं और कुछ पुष्प इसमें क्या है, जमीन के अंदर रहते हैं। तो बेटा जमीन के ऊपर जो पुष्प पाए जाते हैं, इसे महाराज हम क्या कहते हैं, कॉस्मोगैमस फ्लावर। क्या कहेंगे, कॉस्मोगैमस उन्मूलीय, उन्मूलीय का मतलब ऊपर है जमीन के ना। और ये सामान्य पुष्प की तरह होते हैं, मतलब ये खुले होते हैं, जैसे सामान्य पुष्प क्या होता है, खुला होता है। तो बेटा इसमें ये जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। क्रिस्टोगैमस फ्लावर क्या होता है बेटा, जिसे अन उन्मूलीय कहते हैं, अनमूल्य कहेंगे, जो जमीन के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं बेटा, और ये कभी खुलते नहीं, उसमें ऐसे ये बंद है, ऐसे नर और क्या है मादा जो जनन अंग है उसी के अंदर पाए जाते हैं। और इसमें हमेशा और हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ऑटोगैमी ही होता है। तो बेटा इसे में बोले कि हमेशा स्वयुग्मन होता है। ये क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा गया है कि किसमें जो है पॉलिनेटर्स मतलब एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किस प्रकार के पुष्प में किसी भी प्रकार के क्या है परागण के कारकों की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, तो हमारे पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। दूसरे प्रकार का हमारे पास पॉलिनेशन है जिटेनोगेमी। क्या है बेटा, जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी का मतलब सजात पुष्पीय परागण। सजात पुष्पीय परागण का मतलब कि पुष्प तो इसमें अलग अलग होंगे, लेकिन जो है बेटा क्या है, प्लांट एक ही होगा। मतलब हमारे पास क्या होता है, एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या है पहुंचेगा ना, उसका परागण होगा, लेकिन दो के दोनों एक ही पौधे के होंगे, फूल अलग अलग हैं। तो इसीलिए बेटा याद रखिएगा कि हम कहते हैं जिटेनोगेमी जो सजात पुष्पीय परागण है, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्रियात्मक रूप से पर निषेचन होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रियात्मक रूप से क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन बेटा आनुवंशिक रूप से अगर जेनेटिकली देखें तो वह स्वनिषेचन सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों, क्योंकि पराग कण क्या होता है, उसी पौधे का होता है, भले क्या है बेटा फूल हमारे पास अलग अलग हो। तो ये जो दो पॉलिनेशन देखे बेटा, ये ऑटोगैमी ये वाला और ये बेटा जिटेनोगेमी, ये क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंतर्गत भी आता है। देख लो यहाँ पे लिखा ना जेनेटिकली सेल्फ, तो ये बेटा सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ये बेटा। चलिए स्वनिषेचन वाले में आ गए। अब एक लास्ट हमारे पास है जीनोगेमी, जिसे हम वो टोटली क्या है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसको हटा करके बेटा अब हम थोड़ा सा देखेंगे कौन सा बेटा जीनोगेमी, जिसे पर निषेचन कहते हैं, और वो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो उसको भी बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे।
तो बच्चों, वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जो पढ़ाई करते हैं, बाकी सबके साथ नहीं करना है। हिंदी में जो है, अगर आपको अच्छे तरीके से पूरी बायोलॉजी तैयार हो गई बेटा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। पेपर सब सेम रहता है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। आपको अच्छे से अगर हिंदी वाली समझ में आ गई तो इंग्लिश वाली भी समझ में आ जाएगी, और नहीं तो आप हिंदी के क्वेश्चन पेपर ले करके, उसमें दोनों रहेगा, आप क्वेश्चन सेम रहेंगे और जो है बेटा सेलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास तीसरे प्रकार का पॉलिनेशन है, तीसरे प्रकार का पॉलिनेशन परागण है, जिसे हम जीनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? पर निषेचन। क्या होता है? पर निषेचन। पर मतलब आप जान गए, पर मतलब दूसरा, जैसे कहते हैं ना, मेरे पिया गए परदेश, पर मतलब दूसरी जगह। तो इसमें जो पॉलन ग्रेन है, जो पराग कण है बेटा, वो दूसरे पुष्प के क्या है, वर्तिकाग्र पर तो जाता ही जाता है, साथ में पुष्प भी क्या होते हैं, अलग हैं, तो प्लांट भी इसमें साथ में अलग होता। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास बच्चों कि एक पुष्प का इसमें नहीं, पुष्प की बात ही जाने दीजिए, एक क्या है पौधे का पराग कण, दूसरे क्या होते हैं पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। इस प्रकार के परागण में, परागकण तथा वर्तिकाग्र दोनों अलग-अलग पौधे के होते हैं। अब पौधा अलग है महाराज, पौधा अलग है तो भैया क्या होगा, फूल तो अलग हो ही जाएगा। तो इसीलिए आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के परागण में, परागकण न दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, जो कि पुष्प भी क्या है, दूसरे पौधे का होता है, दूसरे पुष्प के, सॉरी, दूसरे पौधे के न वर्तिका पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो आइए इसको लिख देते हैं, ये भी याद रखिएगा थोड़ा। इस प्रकार के परागण में पराग कण न दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र, दूसरे पौधे के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र काग्र तक पहुंचते हैं या झड़ते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या हो गया? जीनोगेमी। और जीनोगेमी वो बेटा जेनेटिकली और फंक्शनली, मतलब क्रियात्मक तथा आनुवांशिक रूप से, दोनों रूप से क्या होता है? पर निषेचन ही होता है। तो बेटा यहाँ पे जरूर लिखेंगे कि जीनोगेमी मतलब पर निषेचन नाम ही है ना, क्रियात्मक मतलब बेटा, क्रियात्मक मतलब फंक्शनली, और आनुवांशिक का मतलब बेटा जेनेटिकली, कली दोनों रूप से पर निषेचन होता है, पर निषेचित होता है, मतलब इसमें बेटा हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। तो इसकी एक लास्ट में थोड़ी सी, एक बहुत छोटी सी समरी है, जैसे उसको देख लेते हैं कि आपने ये जीनोगेमी को देख लिया, तो इसको हम हटाते हैं। याद रखिएगा कि जिसमें आपको एक टेबल बना देते हैं ताकि बच्चों अच्छे से याद रहें, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा।
टाइप ऑफ पॉलिनेशन में हम देखे थे पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। एक बेटा है ऑटोगैमी, दूसरा हमारा जिटेनोगैमी, तीसरा महाराज है जीनोगैमी। क्या होता है? जीनोगैमी। इसमें बेटा याद रखिएगा मेल, अब मेल समझ गए आप पॉलन ग्रेन ना, तथा बेटा हमारे पास क्या है फीमेल, दोनों क्या होते हैं एक ही फ्लावर में होते हैं। क्या होता है? सेम फ्लावर। क्या होगा बेटा? सेम फ्लावर में होगा। मेल गैमिट ये गैमिट है बेटा, याद रखिएगा, और बेटा फीमेल गैमिट क्या होते हैं? सेम फ्लावर में होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास होगा बेटा मेल का मतलब आप समझ गए हैं, इसमें मेल मतलब परागकण, इसमें मतलब ये फीमेल का सिंबल है मतलब स्त्री केसर। क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट फ्लावर के होते हैं, डिफरेंट फ्लावर बट क्या है? सेम प्लांट। बट क्या है? सेम प्लांट। पुष्प तो अलग अलग होते हैं लेकिन पौधा क्या होता है? सेम होता है। इसमें बेटा याद रखिएगा मेल फ्लावर और क्या है बेटा फीमेल फ्लावर, दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहिए, या इसे कहिए कि परागकण या स्त्री केसर, आप समझ गए हैं। दो के दोनों क्या होते हैं? दोनों अलग पौधे के होते हैं, डिफरेंट प्लांट के ना। तो क्या कहेंगे बेटा? डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, अलग पौधे। तो इसे भी यहां कह सकते हैं डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये महाराज याद रखिएगा। इसमें बेटा सेम प्लांट है, ये देखिए इसमें सेम प्लांट और इसमें बेटा क्या है? डिफरेंट प्लांट। तो अगर आपने एकाध बार भी अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आपने अभी तक पढ़ा है, तो इसको जरूर पढ़िए और फिर अपनी एनसीईआरटी किताब पढ़िए बेटा, लाइन टू लाइन पढ़िए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, जो हमारे पास परागण के कारक होते हैं कि किसके द्वारा क्या है परागण होता है। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब एनसीईआरटी पढ़िए और जल्दी से सेलेक्ट होइए।